कभी घर पे फेरो चॉकलेट बनाने की कोशिश करी है? मुझे पता है आप लोगों ने बहुत ये मोल्ड देख लिया होगा, मतलब इतने सारे यूट्यूबर्स चॉकलेट की वीडियो बना चुके हैं, मतलब मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट एट होम, और बहुत देर तक मैंने नहीं करा, बट मुझे ना बहुत ज़्यादा फोमो होने लग गया, तो मैंने ये अमेज़ॉन ऐसे होता है ना कि छींक आने वाली है बट नहीं आती है, मेरे को एग्जैक्टली वही हुआ, और बैंगलोर में बहुत ठंड हो गई है, इट्स वेरी कोल्ड। ठीक है छोड़ो, तो ये काइंड ऑफ सिलिकॉन मोल्ड ख़रीदा और हम बनाने वाले हैं डेरी मिल्क फेरो रोशर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ना डेरी मिल्क को अगर आप माइक्रोवेव या किसी चीज़ में डालोगे तो अजीब सा टेक्सचर हो जाता है। यहाँ पर गर्म पानी है तो हम इसको बस 5 मिनट के लिए इसके अंदर इमर्स करेंगे और डेरी मिल्क अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तब तक के लिए हम थोड़ी सी भड़ास निकालते हैं अपने फेरो रोशर पे। ओके, तो मैंने ना रिसेंटली वर्कआउट करने के लिए एक वो ज्वाइन करा है, कल्ट फिट करके चीज़ है। ठीक है, तो उनकी ना अलग अलग ऐसा क्लासेस टाइप होती है, तो दे हैव डांस फिटनेस, दे हैव योगा, बॉक्सिंग, SNC और HRX वर्कआउट, और भी कुछ कुछ तो होता है, दिस इज ऑल आई रिमेम्बर। और ना मुझे बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, मतलब लिटरली वो ग्लव्स पहन के, क्या कहते हैं उसको, बॉक्सिंग बैग को मारना, उससे पूरे दिन की भड़ास निकालने में बड़ा मज़ा आता है। तो एक दिन क्या हुआ ना कि मैंने एक सेंटर में क्लास बुक करी थी और वो 6 बजे की क्लास थी और जनरली पीपल डू बॉक्सिंग एट 7 o'clock। तो मैं सेंटर पर पहुँची और मुझे पता चला कि सिर्फ मैं एक हूँ वो पूरी क्लास में, मतलब जनरली क्या होता है एक ट्रेनर होता है और 10 to 20 लोग होते हैं उस क्लास में, बट इस बार ऐसा हुआ कि एक ट्रेनर था और बस एक स्टूडेंट था, मतलब मैं। एंड पहले मैं सोची थी कि बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होगा, क्या मैं कैंसिल कर दूँ, बट ना मुझे शाम को अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे जाना था और वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना था, तो ना लाइक यार फिर वेट बढ़ जाएगा, ब्लोटिंग होगी ये वो, तो इसलिए मैंने सोचा कोई नहीं, मेहनत करके अकेले चले जाती हूँ वर्कआउट करने। एंड काफ़ी मज़ा आया, मतलब ट्रेनर के साथ बॉक्सिंग करी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मतलब मुझे इससे ये तो पता चला कि जब 1-on-1 ट्रेनिंग होती है तो सीखने को बहुत अच्छी तरह मिलता है, बट उसके बाद कभी मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अकेले सीखने की। ओके, सो अब हमारा ये रेडी है और इसको हम फ्रीजर में रख सकते कुछ 10-15 मिनट, और डोंट वेस्ट दिस, ये खा लेना। अब हमारी फेरो रोशर डेरी मिल्क इज़ रेडी, मतलब क्या मस्त लग रही है, डेरी मिल्क ऊपर और पीछे से फेरो रोशर। दिस टेस्ट सो गुड, मतलब डेफिनेटली शेयर दिस विद अ फेरो रोशर और डेरी मिल्क लवर, और ये ट्राई करना मत भूलना। एंड आप लोग को भी शॉर्ट आउट चाहिए तो वीडियो लाइक कर दो एंड कमेंट डन जितनी बार भी कर सकते हो। See you later, alligator.